कितनी क्रिस्पी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे मेथी की क्रिस्पी पापड़ी, जिसके लिए मैंने ली हूँ 200 ग्राम मेथी और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया इस तरह से, बहुत ही बारीक काटना है इसे। तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे और इसकी डंडियां भी निकाल लेनी है, तो अच्छे अच्छे पत्ते इसके निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से जमा कर लीजिए हाथ में, तो थोड़ी थोड़ी डंडियां भी ले रही हूँ मैं, तो देखिए इस तरह से मैंने जमा कर ली है, ये मैंने तोड़ कर रखी थी। जितनी बारीक हो सके आप इसे काट लीजिए। देखिए इस तरह से भी बारीक बारीक काट लीजिए। इसे हम अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी भी होती है। देखिए मेथी की भाजी को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी भी मैंने अच्छे से निथार लिया है। अब इसे एक बाउल में ले लेंगे हम। 6 हरी मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक क्रश कर लिया है। सात से आठ लहसुन की कलियां लिए, उसे हमने क्रश कर लिया है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 चम्मच सफेद तिल ली है। 1 चम्मच अजवाइन ली है, तो अजवाइन सर्दियों के सीजन में खाना ही चाहिए, क्योंकि गर्म होती है, सर्दियों में ये भी गर्म चीजें खाना ही चाहिए हमें। 1/2 चम्मच हल्दी ली है। नमक स्वाद के मुताबिक लिया है और मोहन के लिए 3 चम्मच तेल लिया है। 1 बड़ी कटोरी मैदा लिया है, ये लगभग 400 ग्राम मैदा है। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए तेल में सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो हम तैयार कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें वरना आटा ढीला पड़ जाएगा। तो देखिए इसका एक टाइट डो मैंने तैयार कर लिया है और इतना डो तैयार करने में मुझे 1/2 ग्लास से भी कम पानी की जरूरत पड़ी है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा देंगे और 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि अच्छे से इसमें रेस्ट आ जाए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इस टाइम पर आपका आटा थोड़ा पतला लगे, क्योंकि हमने कड़क डो तैयार किया था, मगर ये मैदे का आटा है तो थोड़ा देखिए नरम सॉफ्ट हो जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा मैदे का आटा या फिर चावल का आटा मिला लीजिए और इस तरह से इसकी थोड़ी सी मालिश कर लीजिए, ताकि ये आटा थोड़ा हमारा टाइट हो जाए। तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। तो देखिए ये साइज की मैं छोटी छोटी लोइयां तोड़ रही हूँ, क्योंकि हम इसकी क्रिस्पी पूरी बनाएंगे तो पेड़ा छोटा ही लेना है, पतली पतली पूरियां बेलनी है हमें इसकी। देखिए मैंने 1/2 आटे की लोइयां तोड़ के इस तरह से बना लिए। चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं, इसे एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर पलीतन के लिए मैंने चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, तो ऊपर से चावल का आटा लगा लेंगे। अब इसे हमें एक पतली सी पूरी जैसी बेल लेनी है, हल्के हाथों से बेलिए इसे। जितनी पतली बन सकती है आप उसे इतनी पतली बना लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इस तरह से पतली बनाने से। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा मैदा भी ले लीजिए पलीथन के लिए, मगर चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। हल्के हाथों से इसे बेलना है और जितनी पतली हो सके उतनी पतली बेल लेना है,
पतली बेलने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। देखिए इस तरह से पतली पतली मैंने बेल ली है, आप देख सकते हो बहुत ही पतली बेली है। इसे हम एक तरफ थाली पे रख देंगे, थोड़ी थोड़ी हम बना लेंगे और फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा सा चावल का आटा लगा लेंगे। तो देखिए पतली पतली मैंने बेल ली है, आप देख सकते हो इतनी पतली बेली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पूरियां बना ली है इस तरह से। इसे एक साथ बेलकर नहीं रखे वरना ये चिपकने लगती है। तो आप एक जन बनाते जाए और एक जन इसे फ्राई करते जाए, इस तरह भी बना सकते हो या फिर थोड़ी थोड़ी बनाकर इसे फ्राई करते जाए। तो तेल गर्म हो चुका है, इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देती हूँ अब मैं, और इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करनी है वरना मेथी तो पहले ही कड़वी होती है और ये ज़्यादा अगर फ्राई हो जाएगी तो कड़वी लगेगी। तो देखिए हो चुकी है, इस तरह से हमें निकाल लेनी है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है वरना मेथी कड़वी होती है, ज़्यादा इसे हम फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा कड़वी लगेगी। बस इसी तरह से हमें फ्राई कर लेनी है। देखिए इस तरह बनाने से बच्चे जो है, अक्सर छोटे बच्चे घर के हरी सब्जियां खाते नहीं है, आप इस तरह से इन्हें बना कर दोगे तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और सर्दियों के सीजन में तो मेथी खाना बहुत ही फायदेमंद है, अक्सर हम एक ही डिश बना बना कर खाकर बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेराइटी बनाकर आप ट्राई कीजिएगा। देखिए ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसे, बस हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही मेथी की इसमें से। देखिए मेथी की क्रिस्पी पूरी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये। आप अभी जो फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो कोई गेस्ट आए तो आप उसे सर्व भी कर सकते हो। इसे आप 15 से 20 दिन तक डब्बे में, पैक डब्बे में रखकर खा सकते हो आराम से। 15-20 दिन तक ये खराब नहीं होती है और बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हो तो इस तरह से आप बनाकर इसे ज़रूर खिलाएं। तो देखिए मैं इसे तोड़कर बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।